वाटर पार्क में मौत का वीडियो, टक्कर लगते ही पानी में गिरा युवक दर्द से चिल्लाता रहा। अजमेर के बिडेरा वाटर सिटी पार्क में हादसे से भले ही मालिक ने इनकार कर दिया हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि युवक पूल में था, स्लाइड से आया, दूसरा युवक ने उसे टक्कर मार दी, इससे वह पूल में गिर गया, दर्द से चिल्लाने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। रविवार को आदर्श नगर थाना पुलिस ने पार्क पहुंचकर जांच पड़ताल की, मालिक को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पूल में 3 दोस्त पास खड़े हैं, स्लाइड से एक युवक आया और महबूब के पेट पर टक्कर मार दी। उसके बाद दोस्तों ने बाहर निकाला और पेट के बल लिटाया। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने प्राथमिक उपचार मुहैया कराया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। मृतक युवक के रिश्तेदार शेख जियादुल ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 30 मई को महबूब खान 44 और परिवार के लोग अजमेर आए हुए थे। दोपहर 2 बजे के करीब हम सभी बिड़ला वाटर सिटी पार्क गए थे। 5 बजे करीब ऊपर से आ रहे पाइप में तेज गति से एक युवक आया, पूल में खड़े महबूब से टकराया। इस पर महबूब वहीं गिर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो उठ नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक बताने पर उसे घर ले आए थे, लेकिन दूसरे दिन तकलीफ हुई तो फिर हॉस्पिटल लाए। जांच हुई तो निकला कि आंत डैमेज है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज चल रहा था कि इस बीच 3 जून को उसकी मौत हो गई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।